यस, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग अगेन। सो फाइनली, जैसा मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो नंबर वन ये है, वो वीडियो नंबर वन नहीं था कि हम कैसे करने वाले हैं अकाउंट्स, हम कैसे पढ़ने वाले हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम जीरो से पढ़ने वाले हैं। इलेवेंथ का आपने क्या पढ़ा, नहीं पढ़ा, याद है, नहीं याद है, डजेंट मैटर। नाउ वी हैव स्टार्टेड फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है पार्टनरशिप। अब ये पार्टनरशिप क्या होती है? तो पार्टनरशिप पढ़ने के पहले हमें थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि सोल ट्रेडर प्रोप्राइटर क्या होता है। 11th क्लास में हमने देखा था सोल ट्रेडर प्रोप्राइटर, सिंगल पर्सन जो बिजनेस को रन करता है, जो बिजनेस को चलाता है। उसकी कुछ लाइबिलिटीज होती है, कुछ लिमिटेशंस होती है, जिसके कारण वो बिजनेस को एक्सपांड नहीं कर सकता। अब बिजनेस को अगर एक्सपांड करना है तो मुझे न्यू आइडियाज चाहिए, न्यू स्किल्स चाहिए, हो सकता है मुझे फंड की भी रिक्वायरमेंट लगे। इसके लिए हमें 12th में आई है पार्टनरशिप, यानी हमें समझना है पार्टनरशिप क्या होती है। तो हम वर्क करेंगे पार्टनरशिप पे। लेट्स सी पार्टनरशिप क्या होती है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हम पढ़ने वाले हैं, जो कि बनाया गया है 1932 सेक्शन 4, 1932 सेक्शन 4। ये याद रखिएगा कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बनाया गया है सेक्शन 4 के अंडर। क्या बोलता है ये? पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू एंड मोर पर्सन हु एग्रीड टू कैरी बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉस। यानी दो या दो से ज्यादा लोग अगर बिजनेस को कैरी करते हैं, रन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो उनको बोला गया है पार्टनरशिप। दे आर पार्टनर्स, और उस फर्म को बोला गया है पार्टनरशिप फर्म। दो लोग हो या दो से ज्यादा लोग हो, मोर देन टू। यस, आगे देखते हैं पार्टनरशिप्स के क्या फीचर है। पार्टनरशिप का फीचर बोलता है एसोसिएशन ऑफ टू एंड मोर पर्सन। एसोसिएशन ऑफ, या तो वो दो होना चाहिए या फिर दो से ज्यादा होना चाहिए, दो होना चाहिए या दो से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, इसमें ये चीज जरूरी है कि वो माइनर नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा है एक्सेप्ट माइनर, अनसाउंड माइंड एंड डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। माइनर यानी छोटा नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड यानी उसमें दिमाग होना चाहिए, पागल नहीं, पागल पर्सन को पार्टनर नहीं बना सकते आप। और दूसरा डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, लॉ लॉ ने अगर बोला है कि ये पार्टनर नहीं बनाया जा सकता किसी भी रीजन से, बहुत सारे रीजन होते हैं, तो उसको हम पार्टनरशिप में नहीं ले सकते। इन तीन आइटम को छोड़कर, इन तीन कैटेगरी को छोड़कर हम दो या दो से ज्यादा लोगों को पार्टनरशिप में ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट उसमें जाते हैं एग्रीमेंट। अगर हमें पार्टनरशिप को पार्टनरशिप फॉर्म में जुड़ना है, पार्टनरशिप को बनाना है, तो हमें एक एग्रीमेंट साइन करना होगा। इस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि आपकी क्या ड्यूटीज रहेगी, आप किस तरीके के पार्टनर रहेंगे, आपका प्रॉफिट शेयरिंग कितना रहेगा, आप स्लीपिंग पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर है, वॉट एवर, बहुत सारी चीजें रहती है एग्रीमेंट में, वो डिफाइन होता है। यस, एग्रीमेंट कंपलसरी, एग्रीमेंट जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी पार्टनरशिप फॉर्म लॉन्ग टर्म के लिए जाए, सक्सेसफुल रहे, लॉन्ग टर्म रन करे, तो इसके लिए एग्रीमेंट जरूरी है। फेथ रहता है एग्रीमेंट बनने से, दोनों पार्टनर को फेथ रहता है। नेक्स्ट है बिजनेस। पार्टनरशिप फॉर्म 1932 एक्ट बोलता है कि बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए और लीगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए और प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए, लीगल होना चाहिए और प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए। ये लीगल और प्रॉफिट मेकिंग समझाता हूं मैं, क्यों, कैसा। लीगल का मतलब मैं चोरी में किसी को पार्टनर नहीं बना सकता। लाइक मैं चोरी करने जा रहा हूं तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि तू पार्टनरशिप कर ले, वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। या मैं किसी के साथ पार्टनरशिप में खाना खा रहा हूं, लंच कर रहा हूं, डिनर कर रहा हूं, तो वो भी बिजनेस नहीं कहलाएगा। बिजनेस का मतलब लीगल, कानूनी तरीके से प्रॉफिट मेकिंग के लिए किया जाने वाला काम, उसको बोला गया है बिजनेस, लेन देन लीगल तरीके से प्रॉफिट का। यस, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉफिट शेयरिंग। अच्छा, इसमें ये क्लू डाला गया है कि जरूरी नहीं है कि मैं लॉस प्रॉफिट ही लूं, लॉस भी ले सकता हूं। कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो बोलेंगे कि भैया मैं लॉस नहीं लूंगा, मैं सिर्फ प्रॉफिट लूंगा, मैं वर्किंग करूंगा, मेरी स्किल्स, मेरा आइडियाज आपके साथ में है, लेकिन मैं प्रॉफिट में ही पार्टिसिपेट करूंगा। अगर कंपनी को, फर्म को लॉस होता है तो मैं लॉस बियर नहीं करूंगा। तो ये जो चीजें हैं, ये सब पहले से एग्रीमेंट में डिसाइड होती है, ये सब पहले से एग्रीमेंट में लिखा जाता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, आप लॉस बियर करेंगे कितना, करेंगे कि नहीं करेंगे, वो सब चीजें हमें एग्रीमेंट में ये होती है, डिफाइन होती है कि हमें प्रॉफिट कितना मिलने वाला है, और प्रॉफिट मिलने वाला है तो किस रेशो पे मिलने वाला है, प्रॉफिट शेयरिंग। यस, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है जो एक्टिविटीज होती है। जैसे लास्ट पॉइंट है मेरा, बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। यानी ये जो बिजनेस की एक्टिविटी आपको दिख रही है, ये बिजनेस की एक्टिविटी मैं भी कर सकता हूं, मेरे साथ बाकी के पार्टनर्स भी कर सकते हैं। यहां पे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप होती है, आपने 11th में शायद एसपी में पढ़ा होगा, बहुत सारे टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं।
अब जैसे लेट सपोज मैंने मुझे पार्टनरशिप फर्म नहीं बनानी थी, लेकिन मुझे फंड लग रहा था, स्किल लग रही थी, आइडिया लग रही थी, तो मैंने किसी को पार्टनर बना लिया। पार्टनर तो बना लिया, लेकिन वो पार्टनर बोलता है कि मैं समय नहीं दूंगा, मैं वर्किंग नहीं करूंगा, मैं सिर्फ प्रॉफिट में शेयर करूंगा। तो ये हो गया कि मैं वर्किंग कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, लेकिन वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, उसको भी शेयर मिल रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि बिजनेस कैरिड बाय ऑल, या तो सब लोग साथ में काम कर सकते हैं, या जो सिंगल पर्सन है वो बिजनेस को आगे कंटिन्यू कर सकता है। तो ये था हमारा पार्टनरशिप, ये था हमारा पार्टनरशिप, जो मेन 12th का मेन पार्टनरशिप। 11th में हमने पढ़ा था सोल ट्रेडर प्रोप्राइटर, अभी हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। तो ओवरऑल पूरा का पूरा 12th का अकाउंट पार्टनरशिप के ऊपर डिपेंड है। पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के पहले पार्टनरशिप कंसेप्ट को समझना था, जो आज हमने समझा कि पार्टनरशिप क्या होती है। टू और मोर देन टू शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, राइट सर? इसको बोलते हैं पार्टनरशिप। कब बना था? 1932 सेक्शन 4, राइट सर? आगे मिलेंगे, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। आगे की बात आगे करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिएगा।